शिवी, टीवी देख रहे हो? आप टीवी देख रहे हो? ये आपका शोल्डर कैसे उतर रहा है? शोल्डर कैसे उतर रहा है? ये शिवी पता नहीं क्या क्या मुझे दिखाती रहती है, पता नहीं क्या क्या करती है। खैर, इसका तो चलता रहेगा। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ गीता और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल गीता डेली व्लॉग्स पर। सुबह हो चुकी है और आज है दशहरा और आज हमें जाना है दशहरा देखने के लिए। सो मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी से खाना बनाया और क्या कहते हैं, ढेर सारी कढ़ी बनाई मैंने। उसकी मैं प्रिपरेशन आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने ज़्यादा इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ से थक करके आएंगे और फिर खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने ये कढ़ी बनाई थी। और जिनको कढ़ी नहीं आती है बनानी तो वो भी देख लें। समझ में तो आ ही रहा होगा कि मैंने ये मट्ठा लिया था, दही थी एक्चुअली, मट्ठा मैंने इसका ब्लेंड करके बना दिया था। उसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले डाल करके और इसको बनने के लिए रख दिया था। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ ताकि आप सब लोगों को बोरिंग ना लगे मेरा व्लॉग। तो गाइज, ये इधर मैं एक साइड तो कढ़ी मैंने बनाने के लिए रख दी थी इंडक्शन पे, और ये दूसरी साइड में क्या कहते हैं, ये मैं अपना पकौड़ियों का सामान तैयार कर रही थी। पकौड़े, कढ़ी बनाए और पकौड़े ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। और ये सारा काम एक साथ चल रहा था क्योंकि हमें जल्दी जल्दी निकलना था और काम काफ़ी ढेर सारे थे। फिर ये मैंने ब्रेकफास्ट में बटर लगा के ब्रेड तल दिए थे क्योंकि ब्रेकफास्ट पे किया था हम लोगों ने। और उसके बाद में कढ़ी बनाई, फिर पकौड़े बनाए, फिर मैंने आटा गूंदा, फिर राइस बनाए। एक्चुअली ये कढ़ी जिस भी दिन बनती है ना, ऐसा लगता है आधा दिन चला गया क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इसमें, क्योंकि फिर सारी ही चीज़ें बनती हैं, पकौड़े बनते हैं, राइस बनते हैं, चपाती बनती हैं। और हमारे घर में कभी भी मैं खाली राइस कभी नहीं बनाती, पुलाव वगैरह बनेगा सिर्फ तभी बनते हैं, अदरवाइज मैं रोटी हमेशा बनाती हूँ। और ये मेरे बहुत ही बढ़िया पकौड़े बन के तैयार, जो कि मैंने कढ़ी में डाल दिए हैं। और हाँ, वेजिटेरियन में मुझे कढ़ी मेरी फेवरेट है। ये मैंने तड़का लगाया और तड़के में मैंने अजवाइन, जीरा, मेथी दाना, इन सब का तड़का लगाया। रेड चिली मैंने इसलिए नहीं डाली थी, वरना उनको भी डाल देते हैं क्योंकि कोई नहीं खाता मेरे घर में। परीक्षा बेटा मेरा जानता नहीं है, हस्बैंड खाते नहीं, वो ज़्यादा मसाले वगैरह कम ही प्रेफर करते हैं। और ये मेरी कढ़ी इतनी डिलीशियस बनी थी गाइस, सब खा लीजिए, इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं बता नहीं सकती। और ये मेरे राइस बने थे बहुत ही अच्छे, जीरा राइस। सो गाइस, और सारा काम करने के बाद मैं आकर के नहा ली थी और नहाने के बाद फिर मैंने खाना खाया था क्योंकि फिर हम निकल गए थे। और ये सारा काम करते करते मुझको 3:30 हो गए थे तब हम निकले हैं यहाँ से। निकलते निकलते मतलब 4 ही बज गए थे। और ये सब खा लीजिए आप, बहुत ही डिलीशियस था। और ढेर सारी कुकर भर के मैंने कढ़ी बनाई थी। ये सैलेड है और शिवी एज यूजुअल कुछ भी नहीं खाती है। ये नहीं खा रहे? अब नहीं खा रहे? फिनिश, खा लो बेटा, खा लो, थोड़ा खा लो सोना, हले मेला बच्चा। अरे कहाँ जा लो, कहाँ जा लो, कहाँ जा लो, खा लो जी भी, खा लो, ये लो खा लो। ओले ओले ओले, इतना सारा मम्मी हो गया, इतना सारा मम्मी हो गया। आप घूमी चलोगे, घूमी घूमी चलोगे? फिर ये यहाँ पे मैं फटाफट रेडी हुई थी। गाइज, ये मैंने, मेरे फेस पे एक्चुअली पिंपल हो रहा है, आपको ये मेरी तरफ से तो राइट साइड है, आपको दिख रहा होगा। और ये पिंपल मुझे काफ़ी दिनों में ठीक हुआ था और उसके बाद से इसका मार्क नहीं जा रहा अभी तक बिल्कुल भी। तो मैं ऐसे ही पता नहीं क्यों मुझे ऐसे सोचते हुए याद आया कि हम जब छोटे थे तो ये वीको टर्मरिक क्रीम कितना चलती थी। पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि ना, मैं एक्चुअली मेकअप बहुत कम लगाती हूँ तो कभी कभी लगाती हूँ, मुझे इतना लगाने में दुख नहीं होता जितना उसे फिर निकालने में होता है कि यार अभी तो मेकअप भी निकालना है। तो ये एक टेक्निक है, आप भी समझ लीजिए इस चीज़ को, मतलब अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी तो एज़ यू विश,
क्योंकि सबकी अपनी मर्जी होती है, क्योंकि मेरा छोटा बेबी है तो मैं क्या कहते हैं सोचती हूँ कि मैं अपने काफ़ी कामों को बहुत ही इजी बना करके चलती हूँ, अदरवाइज़ तो हम लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या हुआ कि मैं क्या करती हूँ, मैंने ये जितने भी प्रोडक्ट्स लगाए ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबसे पहले एलोवेरा जेल लगाया था नहाने के बाद, उसके बाद में मैंने ये वीगो टर्मरिक क्रीम लगाई थी, उसके बाद में मैंने ये हिमालय का बेबी पाउडर होता है सिर्फ वो लगाया है, छोटी सी बिंदी, काजल और लिपस्टिक, और इसके बाद इसमें एक भी मेकअप ऐसा नहीं है जिसमें तो मैं आकर के रिमूव करूं, गाड़ी में गए थे फिर गाड़ी में आ गए थे, मेरे को अलग से ऐसे नहीं कुछ, खाली ऐसे फेस क्लीन कर लिया था, मेकअप रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जहाँ पे मेकअप वगैरह की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं होती मैं ऐसे ही करती हूँ, कोई फंक्शन पार्टी मैरिज हो सिर्फ तभी मैं ऐसे करती हूँ, मतलब प्रॉपर मेकअप लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं लेती हूँ। और ये बीच में शिवी को भी मैंने नहला दिया था, तो ये बीच बीच में बार बार मैं आ रही थी कैमरे में। अब ये यहाँ पर हम निकल चुके हैं दशहरे के लिए जाते हुए, और इतनी रौनक थी सड़कों पर, इतनी रौनक थी बहुत ज़्यादा। ये हम पहुंच गए हैं मेरे घर के आसपास ही है, अराउंड 5-6 किलोमीटर की दूरी पे होगा सिर्फ। शिव भी बहुत खुश है, वो तभी भी उससे बोलो कि कहाँ चल रहे हैं कि घूम ही जा रहे हैं, घूम ही ऐसे बोलती है, गाड़ी में बैठ के बहुत खुश होती है। और ये हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आते हुए हम हालांकि इतने दिन में गए थे लेकिन आते हुए काफ़ी भीड़ हो गई थी क्योंकि रात हो गई थी, हम नाइट में भी आए थे और बहुत टाइप के झूले यहाँ पे लगाए हुए थे, काफ़ी टाइप के, हमने काफ़ी इंजॉय किया। मेरे हस्बैंड, ये मेरी बेटी शिवन्या और वो मेरा बेटा था, ये हमारी छोटी सी फैमिली है। और गाइस हम यहाँ पे मास्क ले जाना भूल गए थे, तो फिर मुझे आइडिया आया, और डस्ट था क्योंकि डस्ट तो होती है हर जगह, तो मास्क ले जाना भूल गए थे, तो मुझे याद आया मैंने कहा हैंग की बांध लो, मैं अपना दुपट्टे से कैसे कवर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे डस्ट से बहुत प्रॉब्लम है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर नोटिस किया होगा तो मैं झाड़ू भी ऐसे ही मास्क लगा के नहीं लगाती हूँ, डस्ट से एलर्जी बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है सभी को बोरी होगी। तो मैंने शिवी को उसके गॉगल भी पहना दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था डस्ट के पार्टिकल उसके आइज़ में नजर आ रहे हैं। और ये यहाँ पे हमको रात हो गई थी करते करते, और ये यहाँ पे हम ये झूले की टिकट की लाइन थी, जो कि टिकट की नहीं थी, टिकट तो बहुत आसानी से मिल गया था, बट उसमें जाने की काफ़ी लंबी लाइन थी जिसमें हम लगे। शिवी बैठोगे झूले पे? और ये हम शिवी को कितनी देर से बैठोगे झूले पे बैठोगे के शिवी बेटा आप बैठ जाओ आप झूले पे झूल लो, बट उसको बहुत डर लग रहा था वो नहीं बैठ, और हम ये लाइन में लगे हुए हैं, और ये सबसे बड़ा वाला झूला होता है उसमें ज़बरदस्ती मैंने बहुत मना किया है, मेरे बचपन को भी बेटे को पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं 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 आए हो तो थोड़ा एंजॉय करो बैठो ये वो, और उसने ये रहो माय गॉड ये वो झूला है। और उसके बाद में थोड़ी देर तक तो शिवी अपने डैडी के लिए लेकिन बाद में वो मैंने ले ली थी, लेकिन जब वो उनकी गोदी में थी तो वो उसको सारा कुछ दिखा रहे थे, उसकी वजह से जैसे ही वो झूला चला ना तो फिर वो बेचारी डरने लग गई और वो बहुत चिल्लाई, फिर मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे झूले थे गाइस और बहुत ही अच्छा लग रहा था, झूले पर बैठ के बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था मुझे, बट इन्जॉय किया, मेरा सारा ध्यान शिवी के ऊपर था कि कहीं वो डर ना रही हो, बट वो डर रही थी काफ़ी। और ये झूले के ऊपर टॉप पे ला करके छोड़ दिया था बिल्कुल, और ये दोनों मुझसे कह रहे थे कि नीचे देखो नीचे देखो। सो गाइस ये दोनों मुझसे बोल रहे थे कि नीचे देखो मम्मा, डर लग रहा था मुझे बहुत ज्यादा। इसके बाद हम अपने घर के लिए निकल चुके थे, हमने सारा दिन खूब समोसे टिक्की चाट पापड़ी सब चीज़ें खाई, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद रात में जाके मैंने अपने वो कढ़ी चावल जो मैं बना के आई थी वो खाए। सो गाइज ये था मेरा पूरा दिन, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट
करना ना भूलें। ओके बाय, गुड नाइट।